नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। छह साल से नंगे पांव रहने वाले रामदास को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर पहुंचकर पहनाए जूते। दरअसल रामदास ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद जूते पहनना छोड़ दिए थे। उन्होंने संकल्प लिया था प्रदेश में जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनेगी वह जूते नहीं पहनेंगे। 15 महीने बाद ही कमलनाथ सरकार सिंधिया की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दी, फिर भी रामदास ने जूते नहीं पहने। उनको इंतजार था चुनाव का। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आया, फैसला भारतीय जनता पार्टी के हक में गया, जिसके चलते पिछले दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास को नए जूते मंगाकर उन्होंने पहनाए। जूते पहनने के बाद रामदास भी पूर्व मुख्यमंत्री के सामने साष्टांग दंडवत हो गए। देखिए वायरल वीडियो। श्री रामदास पुरी जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता, हमारे अनूपपुर जिले के अध्यक्ष हैं। ये ऐसे कर्मठ और संकल्पित कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था और गर्मी सर्दी बरसात तीनों में 6 साल लगभग नंगे पैर रहे। उनका संकल्प पूरा हो गया, 18 में सरकार नहीं बनी थी, 19 में बनी तब भी नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक बार फिर सरकार बने तब पहनूंगा। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया, प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा और अपनी सरकार भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आप कृपया करके जूते और चप्पल पहनना प्रारंभ कीजिए। उनकी संकल्प की पूर्ति पर आज हमने उन्हें जूते धारण करवाए हैं। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।